गैंग लीडर्स क्या बोलते हो? बिट करोगे या लाल बत्ती जलाओगे? चलो फिर गैंग लीडर्स। गौतम ने रेड बटन दबाया बॉस। रिया यार मुझे ना बस एक पैशन कम लग रहा है आप में। मैम कैसे नहीं लग रहा, आप बोलते नमक चाहिए नमक चाहिए, मैं पूरे मसाले का डब्बा हूँ, नमक मिर्ची धनिया आप जो बोलो मैं वो निकाल के दूंगी, कैसे पैशन नहीं है? रिया डिसीजन प्लीज। सॉरी भाई, मैं इनको लेना चाहूंगा, बिड लगाना चाहूंगा। मेरा इनको चूज करने का वजह एक है कि हम सब पहले जीत के लिए सोचते हैं कि हमें जीतना है, हमें जीतना है, हमें जीतना है, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें लगता है हमें कभी कभी अपनी जीत को साइड में रख के कुछ ऐसे कंटेस्टेंट को लेना चाहिए जो लाइफ में बुली हुए हैं, जो लाइफ में आगे जाके लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं कि जब लोग इनको मोटा मोटा बोलते हैं ये शो में आके बाकी चीज़ें भी कर सकते हैं। तो मैं पहले कन्वेंस इनको करूंगा, किसी को भी अगर ये नहीं होते तो मैं आपके पास आऊंगा। प्लीज भाई मैं रिया एंड गौतम मैं बोलना चाहूंगा कि हमें एक चांस देना चाहिए क्योंकि हमें लगता है कि हमें ऐसे लोग चाहिए शो में ताकि वो आगे अच्छा मैसेज दे पाएं, और हमारे शो का मतलब ही यही है कि जब हम किसी को मोटिवेट करते हैं किसी इंसान को ऐसे शो में लाते हैं। ठीक है, यू कैन टेक ये बहुत क्यूट है और शो के लिए बहुत अच्छी रही। यस गौतम ने प्रिंस ने दोनों ने रोडियम्स की दुकान खोल दी है और तो थोड़ा बीट कर ही लेते हैं मैं नीलाम हो रही हूँ, लो मुझे खरीदो। 100 200 I'm done. Done. 300 400 आपकी बोली और लगाने से पहले एक चीज पूछूंगा, फिटनेस में कैसे हो? सर मैं ऐसी मोटी नहीं हूँ, बहुत दमदार हूँ। 500 ओके यू कैन हैव ओके प्रिंस। यस शो बहुत रिस्पेक्ट देता है, ठीक है? अभी जाकर अपनी फिटनेस पर पूरा ध्यान देना, ठीक है? आपके अंदर जो कमी है वो हटा देनी है, ठीक है? गुड लक। प्रियंका पर तुमने आज हमें बहुत हंसाया यार। यस थैंक यू, हमें चाहिए था वो। शो में छोड़ना नहीं किसी को, बिल्कुल भी नहीं। खा जाना सबको, आ जाऊंगी, प्रकार भी नहीं मारूंगी।